नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बच्चों का पेट भरा है या नहीं, खास करके नवजात शिशु का, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि बड़ों के साथ क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं और बता पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शिशुओं का पालन करना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उनका पेट भरा है या नहीं है, उनको भूख लगी है या नहीं लगी है, या दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बता नहीं सकते हैं। और इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो उस अनबोलते बच्चे को भी पालना जानती हैं, यानी कि उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, तब कहीं जा कर के शिशु बड़ा होता है। इसीलिए माँ को अनमोल कहा गया है। तो आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि शिशु को आपके पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे आप। जी हाँ, नवजात शिशुओं में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उन्हें पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अधिकांश शिशु स्तनपान करते हैं और जन्म के 6 महीने तक कोई भोज्य पदार्थ नहीं खाते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि शिशु को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं। आखिरकार आपके स्तनों का दूध बोतल में नाप कर नहीं दिया जाता है। जी हाँ, तो आपको इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि आपका शिशु कितना दूध पी रहा है। आप अंत में सिर्फ यह दुआ मांगते हैं कि काश आपका शिशु बोल पाता कि उसका पेट भर चुका है। जी हाँ, नियमित रूप से शिशु के वजन की जांच कराते रहनी चाहिए। जांच केंद्र जाकर के आपके शिशु का वजन इस बात का पहला संकेत है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या नहीं, यानी कि पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं। आदर्श रूप से आपके शिशु का वजन जन्म के 10 से 14 दिनों के बीच में दोबारा बढ़ना चाहिए और इसके बाद कुछ महीनों तक के लिए हर दिन में 28 ग्राम्स बढ़ना चाहिए। यह याद रखें कि शिशु का वजन जन्म के पहले हफ्ते में 5-10% कम होता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा व्यंजन जांचने का नियमित कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, यह निश्चित करने के लिए कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं हैं। शिशु के मल पर ध्यान दें। जी हाँ, आपका शिशु प्रत्येक बार स्तनपान करने के बाद मल त्याग करते हैं, जिसका मतलब है औसतन 12 बार। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि शिशु को 6-8 बार पेल रंगहीन नैपी और 2-5 बार स्टीडी ढीली पीली, जो कि स्तनों के दूध का मल है, यह स्तनों के दूध के पचने का सामान्य संकेत है। 2 महीनों के अंत तक आपका शिशु कम मल त्याग करता है और फिर यह दिन में 1 बार होता है। ध्यान रखें, पहले ज़्यादा होता है लेकिन बाद में दिन में 1 बार ही होता है। शिशु के मूड से भी आप इस बात को समझ सकते हैं। जी हाँ, कैसे, आइए जानते हैं। वयस्कों की तरह शिशु भी भोजन करने के बाद थक जाते हैं। स्तनपान करने के बाद शिशु संतुष्ट प्रतीत होना चाहिए। कभी कभार आपके शिशु को नींद आ सकती है। डकार लेना या अंत में धीमी गति से चूसना भी यह दर्शाता है कि शिशु का पेट पूरी तरह से भर चुका है, वो नींद में जाने लगता है। अक्सर ये सबसे बड़ा संकेत है। अपने शरीर के संकेतों को भी आपको जांचना चाहिए। जी हाँ, आपके स्तनों की बनावट भी बता सकती है कि आपका शिशु पर्याप्त मात्रा में खा रहा है या नहीं। स्तनपान के बाद अगर आपके स्तन मुलायम बने रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि शिशु ने पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लिया है, लेकिन अगर आपके स्तन कठोर बने रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा है। चेतावनी के संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आमतौर पर और भी कई ऐसे संकेत होते हैं। अगर आप शिशु को दूध पीने के 45 मिनट के बाद चिड़चिड़ा हो जाना और रोता हुआ पा रहे हैं, गाढ़े रंग की दुर्गंध भरा हुआ मूत्र त्याग करता है वो, तो इसका मतलब है कि शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस स्थिति में कुछ बातों को याद रखना चाहिए। आवश्यकता हो तो शिशु को अतिरिक्त सप्लीमेंट अवश्य दें। हालांकि स्तनों के दूध में सभी पोषण होते हैं, अगर स्तनों के दूध से पोषण तत्वों की कमी होती है तो आप कुछ अलग से ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर न करें। कुछ सप्लीमेंट जैसे ओरल विटामिन डी शिशु के लिए और विटामिन B12 माँ के लिए डॉक्टर के सुझाव के बाद लिया जा सकता है, लेकिन बगैर डॉक्टरी परामर्श के
इस स्थिति में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु के साथ आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश न करें। लेकिन माताएं सबसे जरूरी बात ध्यान रखें कि शांत रहें और अपने शिशु को पोषित करने की अपने शरीर की क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि कई लोगों में ये इस विश्वास की भी कमी होती है कि क्या मैं सही ढंग से अपने बच्चे की केयर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं सोचना सही है। इन सभी जानकारियों के साथ आप उचित प्रकार के शिशु को स्तनपान करा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए उस स्थिति में, क्योंकि शिशु के बीमार होने के बाद आपको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स जैसा कि हमने कहा नहीं बता पाते हैं। इसीलिए उस वक्त खास करके माँ के खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो जिस प्रकार के पोषक तत्वों का सेवन करेंगी उसी प्रकार से बच्चे का भी भरण पोषण होगा, जो कि उसके पूरे जीवन काम आने वाला है। तो ये थी आज की जानकारी। कैसा लगा ये एपिसोड, आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई उलझन है या सवाल है, चाहे वो सेहत की दृष्टि से हो या आपके रिश्तों को लेकर के हो या फिर किसी भी प्रकार की आपकी उलझन हो, तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाए हुए टॉपिक्स पर भी वीडियो आप सभी के लिए अवश्य बनाएं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स अवश्य किया कीजिए, क्योंकि आप एक तरीके से सामाजिक कार्य में भागीदार बनते हैं ऐसा करते हैं तो, क्योंकि वीडियो लाइक शेयर और कमेंट्स के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता है और ये जानकारियां मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, ताकि मैक्सिमम लोग सफर न करें, प्रॉब्लम से न जूझें, ये खास करके जब उनको फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो। जी हाँ, इसीलिए हमने इस चैनल की शुरुआत की ताकि मैक्सिमम लोगों को ये जानकारियाँ मिल पाए। मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में, लेकिन जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारीपूर्ण बातों को हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।